मार्च अप्रैल मई के महीने लू और गर्म हवा तो लेकर आते ही हैं, पर साथ लाते हैं गर्मी में मिलने वाले फ्रूट्स भी, लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन, कीवी, ऑरेंजेस, आम, फालसे, गूलर वगैरह वगैरह। इसीलिए मेक श्योर यू स्टॉक अप ऑल दीज फ्रूट्स दिस समर इन योर रेफ्रिजरेटर। ये समर फ्रूट्स हमें देंगे वो फॉर्मूला जिससे हम तीन रेसिपीज बनाएंगे, बोलेंगे हेलो समर एंड फाइनली वी विल बीट द हीट। गर्मियों में बहुत सारे वैरायटी के फ्रूट्स आते हैं, मेलन होता है, तरबूजा होता है, बट एक बड़ा खास फ्रूट है, छोटा सा है, बेरी जैसा है, इंडियन क्रैनबेरी भी इसको बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला टू बीट द हीट, नाम है फालसा। हमारी आज की पहली रेसिपी समर फ्रूट से। सबसे पहले जो हमारा फालसा है इसको बहुत अच्छे से धो लीजिए। गर्मा गर्म पैन में ये फालसा एंड स्ट्रेट अवे सिजलिंग चालू। सॉल्ट बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हमें इसे एक्सपोज नहीं करना है। व्हेन वी एक्सपोज अ बेरी टू वेरी हाई टेम्परेचर इट लूजेज ऑल इट्स विटामिंस एंड ऑल इट्स पॉजिटिव प्रॉपर्टीज, ये हमेशा याद रखिए। नमक डाल के हल्का सा स्टर, दिस इज एसेंशियल क्योंकि नमक से हर बेरी कोट होनी चाहिए। एंड टू काउंटर द टेस्ट हल्दी एक छोटा चम्मच, और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हम इसमें नहीं डालेंगे। जस्ट व्हेन वी सी कि बेरी जो है पूरी तरह से हल्दी से इस तरह कोट हो गई है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द शुगर फ्रॉम बर्निंग। शरबत हो या शोरबा हो, यानी कि सूप हो या मीठा हो, वी नेवर वॉन्ट द शुगर्स इन अ बेरी और इन एनी काइंड ऑफ फ्रूट टू बर्न। अ लिटल बिट ऑफ ऑयल, तो ये सरसों का तेल है दो चम्मच, थोड़ा सा जीरा है। ये अभी स्टॉक डेवलप करने के लिए हम स्पाइसेस, ऑयल, सारी चीज़ें जो हैं डाल रहे हैं। थोड़ा सा जिंजर पाउडर जो है ज़रूर डालेंगे। जैसे ही वो आउटर स्किन जो है थोड़ा सॉफ्ट होएगा, पानी, हाई फ्लेम, और इसको पकने देंगे 8 से 10 मिनट। बेरी मुझे लग रहा है सॉफ्ट हो चुकी है, सो दैट वी कैन मैश एंड टेक आउट द पल्प। पल्प को आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं, बट मिक्सी में पीसने से पहले एक बार इस गर्म स्टॉक में दोबारा डुबा लीजिए। There's another trick कि जो पल्प है उसका मैक्सिमम बेनिफिट दोबारा कैसे लिया जाए। सो पुट ऑल ऑफ दिस इन द बोल, यू कैन सी द रेड पल्प बिलो। अब इसको मिक्स कीजिए, आप चाहिए तो इसी लिक्विड में फिर से मैश कीजिए। ऑलमोस्ट सारा पल्प जो है इसमें से निकल गया, द कलर इज वेरी नाइस। मोस्ट ऑफ द पल्प इज आउट। थोड़ा अगर आपको लगता है कि बच गया है, पल्प ठंडा करके अलग करके हल्का सा पानी मिला के आइस क्यूब जो है वो जमा लीजिए। जब जम जाए बाहर निकालिए, बहुत सारी आइस क्यूब्स एक गिलास में डालिए, थोड़ा सा स्पार्कलिंग वाटर डाल दीजिए उसके ऊपर, या पानी डाल दीजिए, या नींबू पानी जो है शिकंजी जिसे हम कहते हैं वो उसमें मिला दीजिए, और आपकी फालसे की शिकंजी भी तैयार हो जाएगी। अनदर बीट द हीट रेसिपी। ओके, ये जो पल्प है और ये जो जूस है एकदम थिक स्टॉक, इसी से बनेगा हमारा शोरबा। 2 ड्रॉप समझिए आपने तेल डाला, 1 and 2, 1 चिली, अगर आप इसे थोड़ा सा स्पाइस देना चाहें आधी भी डालेंगे सो इट्स गुड इनफ। हल्का सा जीरा, यहाँ पर चाहें तो शाही जीरा होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग वेरी एसेंशियल, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, हल्का सा रोस्ट हो गया हमारा स्टॉक। थोड़ा सा अगर जिंजर पाउडर डाला जाए तो उससे फ्लेवर और एनहेंस होगा एज नॉर्मल रेसिपी। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खास रेसिपी बन रही है। पानी की जगह अगर आपके पास वेजिटेबल स्टॉक हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत थोड़ी सी चीनी। अगर
आपके पास फ्रेश धनिया है, जस्ट व्हेन इट स्टार्ट्स टू बॉईल डाल दीजिए, नो कटिंग नो चॉपिंग, गेट ऑल द बेनिफिट्स। आई हैव द लिबर्टी ऑफ पिकिंग सम हर्ब्स फ्रॉम माई फ्रेश हर्ब गार्डन। तो थाइम है, बेजिल है, थोड़ा सा सेलरी है, जस्ट व्हेन इट इज बॉइलिंग देसी स्टाइल में सर्व करें। अमेजिंग, दिस इज जस्ट अमेजिंग। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर इसके ऊपर, चाहे तो काला नमक या व्हाइट पेपर भी आप डाल सकते हैं। फालसे का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग शोरबा टू बीट द हीट। देखिए इसका एक रीकैप। टू मेक फालसे का शोरबा, टेक 500 ग्राम्स ग्रुइया एशियाटिका एंड वॉश नाइसली इन वाटर, देन इन अ हॉट पॉट एड 500 ग्राम्स ग्रुइया एशियाटिका एंड 1 टीस्पून सॉल्ट, स्टर इट वेल। To prepare stock, add 1 teaspoon turmeric powder, 2 tablespoons mustard oil, 1 teaspoon cumin seeds, and 1 teaspoon ginger powder. Mix it well. Let the berries soften in the pot. Then add water as required. Keep mixing on high flame and let it cook for 8 to 10 minutes. Now take a big bowl and put a strainer on it. Add the berries from the pan and drain out the water and mash the berries. Now add the berry pulp to the drained out juice and crush it again in the bowl. Strain it again and mash a little more. In another hot pot, add 2 drops of olive oil, half red chili, half teaspoon cumin seeds, 1 teaspoon asafoetida and 1 teaspoon crushed black pepper. Roast it well. Then in pot, add drained out berries puree, half teaspoon ginger powder, water as required, 1 tablespoon sugar, some thyme, basil and celery leaves. Stir and cook it well. For presentation, take 2 glasses and put some boiled berries in it. Add pinch of sugar and 3 to 4 drops of mustard oil. Take out shorba mixture from pot and pour into glass. Sprinkle black pepper powder and serve. Your phalse ka shorba is ready to serve. गर्मियों में अगर आप एक चम्मच कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल का सेवन रोज करेंगे, जस्ट हैव इट रॉ लाइक दैट, उससे एक फ़ायदा है, वो ये है कि उसके अंदर प्रेजेंट जो फैटी एसिड्स हैं वो आपको यूवी रेस से बचाते हैं, आपके स्किन यानी कि त्वचा को सॉफ्ट एंड सपल रखते हैं।